राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत ढहने एवं उसमें बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की सूचना मिलते ही एसीपी कृष्णा नगर विनय कुमार द्विवेदी के एक्शन में संजीवनी का काम किया। हादसे की सूचना मिलते ही अपने सर्किल के चारों थाने की पुलिस टीम के साथ पहुंचे एसीपी कृष्णा नगर विनय कुमार द्विवेदी ने अफरा तफरी के माहौल नियंत्रित करते हुए लगभग 1 दर्जन घायलों को लोक बंधु हॉस्पिटल भिजवाया, जिसके बाद पहुंची एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ ने मोर्चा थामा। राहत कार्य में जुटी समस्त टीमों की तत्परता के चलते समय से घायलों के अस्पताल पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियां बचा ली गई। हालांकि इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि लगभग 3 दर्जन घायलों में मात्र 4 लोग लोकबंधु हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस हादसे को सीएम योगी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसी क्रम में हादसे की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं भवन स्वामी राकेश सिंघल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार मंडल व वेयरहाउस ओनर्स एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष टीपीएस अनेजा ने कहा कि राकेश सिंघल के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ना हुई तो ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारी हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, पानी भरते भरते नींव कमजोर हुई है, जलभराव शिकायत नगर निगम से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार की जा चुकी है।